प्रकार से यहाँ शिक्षकों का अभाव है विद्यालय में, तो उसके लिए हमने कहा अभिभावकों से जो जिनको समय मिलता है वो खाली समय में अपना विद्यालय में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, बच्चों की बात कर सकते हैं और जो जो विद्यालय की समस्याएं हैं उस पर हमने चर्चा की। बाल अधिकार हम दिलाई हो तो आइए दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, आई होप ठीक होगे। तो दोस्तों आज है गांधी जयंती और आज आए हैं हम यहां गांव सीतपुरी में, आपको दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए दोस्तों, यह है सीतपुरी का खूबसूरत प्यारा सा विद्यालय और यहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हुए। आज है 2 अक्टूबर, आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को इन दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। और देखिए यहाँ पर जो बापू थे महात्मा गांधी जी, उनके जो जीवन के अनमोल वचन थे, जो अनमोल बातें थीं, उनको स्कूल स्टाफ के द्वारा यहाँ पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शनी लगाई गई है गांधी जी के विचारों की। और देखिए यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी के फोटो पर फूल माला चढ़ाकर आज इनकी जयंती मनाई गई है। और ये हैं स्कूल के प्यारे बच्चे, देखिए इसी स्कूल के बच्चे हैं ये सीतपुरी के। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल स्टाफ द्वारा गार्जियनों की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल की सारी समस्याएं और बच्चों की समस्याएं को लेकर गहनता से चर्चा की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मीटिंग बैठक प्रारंभ हो चुकी है, जो हमारे इस स्कूल के जो अध्यापक हैं टीचर श्री अमित चंद्रा जी, उन्होंने इस मीटिंग का बहुत ही खूबसूरती से संचालन किया और अपनी बात या स्कूल की समस्या या बच्चों की समस्या को बहुत ही शालीनता के साथ रखा। और साथ में गार्जियनों ने भी जो समस्याएं हैं या जो उनके मन की बातें थी वो स्कूल स्टाफ के समक्ष रखी और सभी ने मिलजुल कर कुछ समस्याओं का निदान किया और भविष्य में किस तरह से शिक्षा को बेहतर बनाएं इस पर चर्चा की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीतपुरी प्रांगण में आप सभी अभिभावकों का स्वागत करती हूँ। मैं विद्यालय कुमार की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ उपलक्ष्य हुए हैं। गांधी जयंती का समारोह उल्लास पूर्वक हमने मनाया भी और अब हम यहाँ पर रुके हुए हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा। लड़कियाँ हैं वो तो पढ़ने में थोड़ा सा फिर भी उनका रुझान भी है, वो रोज स्कूल भी आती है, वो रोज उस तरीके से समय भी देती है और उनका पढ़ने का थोड़ा रुझान भी है। लेकिन अपने अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, स्पेशली मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जो अपने अभी लड़के हैं उनके साथ में थोड़ी सी हमको थोड़ी दिक्कत नजर आती है। जैसे मैं यही कहता हूँ कि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल के चारों तरफ तो घूमते हैं लेकिन स्कूल के अंदर नहीं है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अपने जो स्कूल के बच्चे भी हैं, लड़के हैं, तो सर उनकी भी अटेंडेंस जैसे अगर लड़कियों की तुलना में देखें तो थोड़ी कम नज़र आती है। तो ये क्योंकि देखिए कई बार क्या हो रहा है कि ऐसा जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लड़के ऐसा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार समुदाय में या हमारे आस देखिए उनको भी जब लड़कियाँ आ रही हैं तो लड़कियों में आने में क्या समस्या है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। जैसे एक उसको साझा भी कर देंगे कि काट लिया था, तो अब इस तरीके की प्रवृत्ति मतलब देखिए बच्चों के अंदर अब जैसे हम कहें कि नहीं, जैसे ये बात ऐसी नहीं है कि मेरे बच्चे ने कर दिया जब भी आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत सारा स्कूल में आके स्कूल में तो वो 4-5-6 घंटे रह रहे हैं, बाकी देखिए 20-22 घंटे वो आपके साथ रहते हैं या समुदाय में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो अगर देखिए अगर कोई माहौल वहां से पनपेगा ना तो वो स्कूल भी सही नहीं कर पाएगा। मतलब स्कूल की जिम्मेदारी तो है कुछ चीज़ों की, लेकिन सारी जिम्मेदारी भी आप स्कूल के ऊपर नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों को जो बनाने का निर्माण करने का जो उद्देश्य है उसमें माँ बाप समुदाय आस पड़ोस के लोग सब लोगों का पूरी जिम्मेदारी है।
तो उसी के बारे में थोड़ा सा काम मिलना, जब काम मिल गया तो उतना ही काफी है, कॉपी पर काम होना चाहिए और बच्चा काम करता होना चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा ना सोचने समझने वाला होना चाहिए, बच्चा मतलब अपनी बात रखने वाला होना चाहिए, बच्चा अपनी बात कहने वाला होना चाहिए। तो आज हम हमारे बच्चे या हम लोग ये जान मतलब कई बार तो हम ये होता है कि हमारा ये जानना चाहते हैं तो हम ज्यादातर वोट उसे दे देते हैं उस तरीके के कारण, लेकिन वो बच्चे इस तरीके से हमारे सोचने समझने वाले लोग ये समझ पाए कि भाई इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है। मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए हर बच्चा जो आता है चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है जो कुछ भी है वो मेरा अपना बच्चा होता है और हम एक बच्चे के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। आपका लिए एक बच्चा है, मेरे पास 30 बच्चे भी अगर है तो आपका एक अकेला बच्चा है, आप उस पर भी ध्यान दें। तो आप अपने बच्चे को पूरी तरह से तैयार करने विद्यालय भेजें कि हम किस काम के लिए उसे भेज रहे हैं, उसके पास पेंसिल कॉपी किताब सारी, क्योंकि हो सकता है उसकी माँ नहीं पढ़ी लिखी, पिता नहीं पढ़ा लिखा, वो नहीं बता सकता, हमें ही उसकी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूरी तरह से ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ये जो सरकारी स्कूल होते हैं ये एक छोटे से छोटे उसको भी साथ धारा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि कोई गरीब है उसके पास नहीं है साधन वो बता सकता फिर भी वो विद्यालय आए, उसके लिए देखिए आप लोग आपके सामने किताबों का प्रबंध है, यहाँ पर खाने का प्रबंध है और ड्रेस का भी प्रबंध करते हैं हम लोग। नहीं सरकार करती है, वो ये चाहती है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो वो अधिकार के लिए आपको यहाँ बुलाते हैं। प्राइवेट में क्या होता है आप भी जागरूक रहते हैं क्योंकि आपने किताबें खरीदी हैं, बैग खरीदा है, ड्रेस इतनी महंगी खरीदी है, फिर आपने फीस दी है, तो आपको अंदर से ये रहता है इतना पैसा खर्च हो रहा है मेरा बच्चा सीखे क्या है ना। तो वो बच्चा जब जाता है और आता है आप भी पूरी तरह से उसके साथ एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपने जैसे मर्जी बच्चे को दे दिया, आप लोग जो भी नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, मेरी माँ भी बिल्कुल बाल अधिकार हम दिलाई हो आवा मिलजुल के भाई बोले भाई हाँ
प्राइवेट की बात करता हूँ जो अपना अनुभव है। सुन ला भाई साहब ध्यान से, आप प्राइवेट में मैंने एक भी बच्चा अपना नहीं भेजा। चार बच्चे मेरे थे, लड़के को भेज सकता था, कईयों ने कहा भी प्राइवेट में पढ़ा। मैंने कहा मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ, यहाँ हमारा स्कूल बंद होने की कगार में था। आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, मैं अपना नमूना विद्यार्थी गया भी था साइन करने के लिए, जो हमारा स्कूल ब्लैब होके वहाँ जा रहा था अपना विजयरमपुरा। मेरी वहाँ बहस हो गई थी, एक बस से छः स्कूल के बच्चे कैसे टाइम से पहुँच जाएंगे। ठीक, छः बच्चे, वो छः स्कूल के बच्चे अलग अलग स्कूलों में छोड़ने, अलग स्कूल से लेने, वहाँ कैसे पूरा कर लोगे, एक बस से समय से कैसे पहुँचा लोगे। अब उस बहस में मैं अकेला था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं बोला, अध्यक्ष बहुत पहुँचे थे वहाँ, मगर मैं अट गया था उस बार। मैंने ये चल ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। मैंने ये होश के कहा तो हम प्राइवेट से बच्चे लाएंगे अपने, और प्राइवेट से कम 10 से 11 बच्चों का एडमिशन मैडम के यहाँ भी हुआ, कुछ गुरु जी के यहाँ भी हुआ, 3-4 बच्चों का। हमने 10 से 14 बच्चे के करीबन एडमिशन प्राइवेट से लाए, कुछ आर्यन से लाए, कुछ संजय के स्कूल से लाए, कुछ अपने पिंकी के स्कूल से लेके आए। अब भैया सभी बच्चों को उनका स्कूल तो बंद नहीं करवा सकता, उनके सब बच्चे उनके उठा लाऊँ। भाई साहब ये तो अपनी समझदारी है, जो अपने बच्चों को आप लोग अपने स्कूल में भेजें, ऐसा कुछ नहीं है जो प्राइवेट वाली बात लोग कहते हैं ना, ये चीज़ देखो। अगर मेरा लड़का अगर वहाँ जा रहा था प्राइवेट में, सुबह उसका टिफिन बनता, ध्यान रखना कभी टिफिन बनाएगा बंदा उसका, पहले उसको नाश्ता भी कराएगा, फिर बस में भी चढ़ाने जाएगा, है ना, जाएगा नहीं जाएगा, स्कूल तक तो आएगा ही, जहाँ बस आएगी वहाँ तक अगर उसको चढ़ाने जाएगा, फिर लेने भी आएगा शाम को आएगा, तो भैया बस आ गई होगी, मेरा बच्चा आ गया होगा, उसको ले आओ। और आगे उसको किताब भी देगा, गए एक घंटा उसे पढ़ाएगा भी, और उधर उसकी महीने की कम से कम 500-600 रुपये छोटे बच्चे की, और 1000 से 1500 रुपये तो होती है जो आठ तक पढ़ते हैं। मैम जी आप अपना परिचय देते पहले ना। मैं, मेरा नाम अर्चना श्रीमती अर्चना ठाकुर, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस विद्यालय में लगभग 10-12 साल हो गए हैं मुझे इस विद्यालय में कार्यरत हुए। अच्छा, तो आज जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है वो क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय शीतपुरी बांसकुड़ा में 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने उल्लासपूर्वक इस समारोह में भाग लिया। उसके पश्चात हमने रखी थी आज अपने विद्यालय प्रबंधन समिति की एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें हमने अभिभावकों के साथ शिक्षा संबंधी चर्चा की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना तथा सुझाव ढूंढने का हमने प्रयास किया, और उनको हमने सहयोग के लिए कहा है। अच्छा, तो जैसे कि चर्चा जो आप लोगों की मीटिंग हुई है, तो उसमें कुछ एक दो मुद्दे हों जिसमें मतलब चर्चा की हो? हाँ, जिस प्रकार से बच्चे थोड़ा आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़े में ज़्यादा रहते हैं, हाँ, उसके लिए हमने गार्जियन को कहा है, और साथ ही जिस प्रकार से यहाँ शिक्षकों का अभाव है विद्यालय में, तो उसके लिए हमने कहा है अभिभावकों से, जो जिनको समय मिलता है वो खाली समय में अपने विद्यालय में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और जो जो विद्यालय की समस्याएं हैं उस पर हमने चर्चा की। तो मैम जी आपने मतलब बहुत अच्छी पहल की है, और ऐसे ही आपसे प्रेरणा लेके आए और भी जो स्कूल हैं वो इस तरह से मतलब अभिभावकों से समय समय पर मीटिंग करते हैं, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों के प्रति, तो आज इन्होंने बहुत सारी चर्चा की है, मैंने भी उन चर्चा को सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे वीडियो के माध्यम से जो गार्जियंस हैं या बच्चों हों, क्या संदेश देना चाहती हूँ? मैं गार्जियन को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही हमारी विशेष कुंजी होती है उनके सुंदर भविष्य के लिए। हम ध्यान रखें, थोड़ा इनकी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें उनको, और विभिन्न प्रकार की जो भी परीक्षाएँ होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें, और अपने गाँव का उसमें निकल के अपने गाँव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें।